राजगढ़ के खुजनेर तहसील में धारा 144 का खुला उल्लंघन देखने को मिला, जहां नगरीय निकाय चुनाव में 15 वार्डों के रविवार को मतगणना हुई, जिसमें भाजपा का परचम लहराया। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें आईं और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। वहीं मतगणना समाप्ति के बाद भाजपा के जीते प्रत्याशी जीत की खुशी में इतने उत्साहित हुए कि निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हुआ कुछ यूं कि जीतने वाले भाजपा के 12 ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत का जश्न पूरे नगर में ढोल धमाके और बैंड के साथ जुलूस निकालते हुए नाचते गाते मनाया। जश्न में धारा 144 के आदेश को भी ताक पर रखा गया। वहीं जबकि नगरीय निकाय मतगणना को लेकर जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित के द्वारा सभी जीते प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा गया था कि सभी जीते प्रत्याशी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिले में अभी धारा 144 का आदेश जारी है, तो कोई जुलूस या रैली ना निकले। लेकिन वहीं इसके विपरीत खुजनेर में आदेश के उल्लंघन पर जुलूस निकालने को लेकर क्या जिला प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करेगा या सत्ता पार्टी के प्रत्याशियों पर मेहरबानी की जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए राजगढ़ से लखन गुर्जर की रिपोर्ट। देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। राजगढ़ के खुजनेर तहसील में धारा 144 का खुला उल्लंघन देखने को मिला, जहाँ नगरीय निकाय चुनाव में 15 वार्डों के रविवार को मतगणना हुई, जिसमें भाजपा का परचम लहराया। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें आईं और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। वहीं मतगणना समाप्ति के बाद भाजपा के जीते प्रत्याशी जीत की खुशी में इतने उत्साहित हुए कि निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हुआ कुछ यूं कि जीतने वाले भाजपा के 12 ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत का जश्न पूरे नगर में ढोल धमाके और बैंड के साथ जुलूस निकालते हुए नाचते गाते मनाया। जश्न में धारा 144 के आदेश को भी ताक पर रखा गया। वहीं जबकि नगरीय निकाय मतगणना को लेकर जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित के द्वारा सभी जीते प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा गया था कि सभी जीते प्रत्याशी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिले में अभी धारा 144 का आदेश जारी है, तो कोई जुलूस या रैली ना निकले। लेकिन वहीं इसके विपरीत खुजनेर में आदेश के उल्लंघन पर जुलूस निकालने को लेकर क्या जिला प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करेगा या सत्ता पार्टी के प्रत्याशियों पर मेहरबानी की जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए राजगढ़ से लखन गुर्जर की रिपोर्ट। देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।